Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel Mukhtar Ghani. सबसे पहले मैं सब लोगों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक कहना चाहता हूँ. अगर कोई गलती मुझसे हुई हो तो उसको माफ़ ज़रूर कर देना. जो आज का वीडियो है, जो व्लॉग है, वो है ट्रेवल व्लॉग जो लाहौर से कराची तक और कराची से ग्वादर तक. मैं जानता हूँ काफ़ी अरसे से मैंने व्लॉग नहीं बनाया, जिसके पीछे एक रीज़न है. वो रीज़न ये है कि जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया, व्लॉग तो मैंने कहा 3 या 4 व्लॉग बना दिए, लेकिन जब मैं गया लाहौर तो वहाँ पर व्लॉग बनाने के लिए टाइम ही नहीं था, क्योंकि पढ़ाई में मसरूफ़ 2 चीज़ें नहीं होती. इसी वजह से मैंने एक चूज़ किया, जो मेरा प्रोफेशन है पढ़ाई, उसको मैं जारी करना चाहता था तो उसको मैंने जारी कर दिया. और बात यह है कि इसी वजह से मुझे टाइम नहीं मिला और इसी वजह से तो थोड़ा मैंने स्केप कर लिया, तो मैं यूट्यूब से गायब हूँ. और जो ये व्लॉग है, ये है ट्रेवल व्लॉग लाहौर से ग्वादर तक. तो इसके बारे में आपको बताते जाएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और इसके सीन्स भी आपको दिखाते जाएंगे, आप देखते रहिए. हाँ भाई, हम कराची पहुंच गए इतनी बड़ी मशक्क़त के साथ. 24 घंटे का सफ़र, बहुत थक गए हैं, बहुत. अभी हमारा कार आएगा तो हम जाएंगे. और हमारा सफ़र जारी रहा. फिर बीच में रास्ते में हमारा जो ट्रेन है वो थोड़ा ख़राब हो गया 2 घंटे के लिए. मैं तो नींद मुब्तला था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो मेरे दोस्त थे उन्होंने कहा कि 2 घंटे के लिए ट्रेन ख़राब था. फिर इसी तरह हम कराची पहुंच गए. कराची पहुंचने के बाद हमने जो रेंट कार है वो बुकिंग की थी, क्योंकि ईद के पहले दिन हम पहुंचे थे रात के वक्त. अगर ईद के मतलब रात को नहीं पहुंचते या ईद के दूसरे तीसरे दिन पहुंचते तो शायद कोई बस हो जाता, लेकिन अभी सारे बस तो बंद हैं, इसी वजह से हमने कार बुकिंग की थी.
जब कार आ गए तो हमने अपना सफ़र जारी रखा अपनी मंजिल की तरफ। आए हुए हैं क्वेटा ज़िला होटल खाने के लिए, यहाँ खाना खा के फिर चले जाएँ ग्वादर। और साथ में दोस्त भी हैं मुबीन, सगीर, कबीर और समीर और अलीम।